हेलो इन्वेस्टर्स, फिर स्वागत है आपका स्टॉक टॉक्स की नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला HFCL लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड काफ़ी ज़रूरी अपडेट आया हुआ है जो कि आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, तो बिना आपको और मैं समय वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों पहले मैं आपको अपडेट बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इस अपडेट का स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि कंपनी 3 सितंबर यानी कि इस फ्राइडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने वाली है, जिसमें कंपनी फंड रेस के बारे में बात करने वाली है। कंपनी ने अपने लेटर में काफ़ी सारे मेथड्स बताया कि वो लोग इसी तरीके से फंड रेस कर सकते हैं, बट एक्चुअली कौन से तरीके से फंड रेस करेंगे वो तो हमें 3 सितंबर को ही पता चलेगा। तो जो इन्वेस्टर्स है वो ये डेट नोट कर लीजिए कि 3 सितंबर को कंपनी की मीटिंग की रिजल्ट आने वाले, जिसमें वो लोग बताएंगे कि कौन से तरीके से वो फंड रेस करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो मैंने बनाया हुआ है 2 दिन पहले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं कि स्टॉक पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों क्योंकि कंपनी ने क्लियरली बताया ना कि वो कौन से तरीके से फंड रेज करने वाले, तो फिलहाल तो स्टॉक पे इसका एकदम पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉक में, उनको मैं बोलूँगा कि 3 सितंबर का वेट कीजिए। अगर कंपनी राइट इशू वगैरह से फंड रेज करने का सोचेगी तो स्टॉक गिरेगा और आपको सस्ते में बाय करने का मौका मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और भी किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।